क्या कमाल राशिद खान के कमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं सलमान खान? सलमान ने लोगों से की है खास अपील, जारी किया एक वीडियो। सलमान ने लोगों को कहा कि वो इस दौर में पॉजिटिव रहें। वेल, फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान के कमेंट्स पर लीगल रूट अपनाने के बाद लगता है अब सलमान खान को कोई इंटरेस्ट नहीं है केआरके और उनके ट्वीट्स में। आए दिन केआरके ट्वीट्स और इंटरव्यूज के जरिए सुपरस्टार सलमान खान पर निशाना साध रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, जिस कारण रोज पेज 3 के हेडलाइंस में सलमान वर्सेस केआरके की खबरें देखने को मिल रही है। वेल, सलमान और उनकी टीम को जो करना था वो कर चुके हैं। इन बातों को इग्नोर करते हुए सलमान खान ने कोरोना के इस बुरे दौर को लेकर कही एक इम्पॉर्टेंट बात। उन्होंने लोगों से एक जरूरी अपील की है। उन्होंने देश में जारी कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ बातें कही है। सलमान खान ने लोगों को कोरोना संकट के बीच पॉजिटिव रहने और अपने हेल्थ पर ध्यान देने की सलाह दी है। जून 1 को सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक एप्लीकेशन का प्रमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कोरोना महामारी में एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। सलमान ने कहा, चिंगारी ऐप और मैं आप सभी से अनुरोध करते हैं कि घर पर सुरक्षित रहें और रोज एक्सरसाइज करें, वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लें, वैक्सीन लगवाने के बाद भी बिना मास्क के न घूमें। जब हम बनेंगे कोविड वॉरियर तभी कोविड के खिलाफ बनेगी चिंगारी। वही एक बातचीत के दौरान सलमान खान ने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था, जब तक बुरा समय नहीं गुजर जाता है तब तक हमें पॉजिटिव रहना है। हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें अपना विश्वास बनाए रखना है और एक दूसरे की मदद करनी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा है, ऐसे में बॉलीवुड के सितारे लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सलमान खान अपनी इनिशिएटिव बीइंग हैंग्री के जरिए मुंबई में हजारों कोविड-19 वॉरियर्स को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बात करें सलमान खान के वीडियो मैसेज की, तो ये बातें यकीनन लोगों में उम्मीद जगाती है। सलमान ने कहा है कि लोग कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करें और पॉजिटिव रहे। देखा जाए तो राधे और मोस्ट वॉन्टेड भाई के रिलीज के बाद केआरके से उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है। सलमान भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में वो अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं। आपके क्या रिएक्शंस हैं इस पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।